नानक हर रंग राज पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राज। परम श्रद्धे सतगुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी तथा सतपुरशां दे तपोस्थल भूमि ते जुड़ बैठी साध संगत जीओ गुरु फतेह दी सांझ पाओ। फतेह हाजर है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु दा इक बचन है जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। सधारण शब्दों विच कह सकते हाँ जिथे परमेश्वर की बंदगी करने वाले प्रभु का आराधन करने वाले प्रभु का समरण करने वाले जिथे जिथे प्राणी बैठते ने वो जगह सोभनीक है। इस जगह ते जिथे समूह साध संगत कीर्तन आनंद गुरबाणी का आनंद माण रही है। कुछ अरसा पहला संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने जो चरण पाए तो यह जगह एक उजाड़ सी एक खेड़ा सी। उत्थे बैठ करके केवल ईश्वर की बंदगी की है प्रभु के नाम नू सिमरिया ते लोगों नू सिमराउण की कोशिश की थी। थोड़ा जिहा अरसा जिन्ना चिर महापुरश इत्थे बैठे जिथे उन्होंने सिख पंथ नू गुरु नाल जोड़िया गुरु शब्द नाल जोड़िया उत्थे नाल नाल सिख कौम नू अपने हकों की राखी वास्ते भी बिल्कुल तैयार बर तैयार रखिया। जिथे उन्होंने आप नाम सिमरन किया उत्थे नाल संसार दे लोकां नू भुलियां भटकियां नू भी नाम सिमरन नाल जोड़िया। यही वजह है अज ओ खेड़ा ओ स्थान जिथे कोई दिने आना पसंद नहीं करता उत्थे हजारा की गिनती विच लोग उस जगह नू नमस्कार करते हैं। प्रभु जी कह रहे ने जिथे बैसन साध जन सो स्थान सुहंदा। फर्क की है संसार दे लोग भी अपनी अपनी जगह बैठते ने। संसार दे लोगां ने भी बहुत बहुत कीमती कोठियां मकान बंगले तैयार किए ने पर जिथे सतपुरश बैठते ने भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए। महापुरशां ने जिस स्थान ते बैठ करके छपरी बन के पहला प्रभु का समरण करना शुरू किया वो जगह अज बिल्कुल एक स्वर्ग का नजारा दे रही है क्योंकि सतपुरश जड़े ने वो सेवन समर्थ अपना परिपूर्ण परमात्मा सत चित आनंद ब्रह्म स्वरूप का समरण करते हैं और समरण करने वाले लोगों की एक प्रेरणा स्रोत बना लेंगे ने और उन्होंने सिमरन करने वाल प्रेरते हैं। और बिन सह सब मंदा सब तो वड्डी गल ये है कि सिमरन करद्या करद्या उन्होंने हिरदे विच जड़ा मन बखशेप ते अवरण है वो नाश हो जाता और नाल नाल राग ते द्वैष तो भी मुक्त हो जाते। आप जो तो राग ते द्वैष तो मुक्त होंदे ने उन्होंने अपने ते पराए का फर्क मिट जाता। जदों बंदगी करदे जीवों का अपने पराए का फर्क मिट गया उही संत है। इसलिए सतगुरु जी बचन करते ने जिन्हां दसंदड़िया दुरमत वंजा मित्र असाडड़े से। एक होर सतगुरु जी ने बचन किया है कि ऐसे पुरश जिहड़े सदीव काल परिपूर्ण परमात्मा के नाम नाल जुड़ते ने ऐसिया की मैनू संगत चाहीदी है। संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर शाम एह वर दीजे। सतगुरु अर्जन देव महाराज ने फैसला ही पक्का कर दिता संतन स्यो मेरी लेवा देवी। ऐसे सतपुरश परम पूज्य पाद संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज वर्गे जिहड़े महापुरश ने उन्होंने प्रति सतगुरों का वचन है संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्यवहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया भगत भरे भंडारा। ये संतां लोगों ने वस्तु संतां कोल केड़ी है वो नाम का धन बख्शिश करते ने। संतन मौको पूंजी सौंपी तो उतरियो मन का धोखा। इत्थे ही नहीं बल्कि फिर धर्मराज नाल जिहड़ा वाह वास्ता पैना उत्थों भी मुक्ति दिलाउण वाले सत पुरश ने सतगुरों ने वचन किया नानक कचड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या। कोई जो बंदे विछड़े कच्चियां दी गल इत्थे छड जांदे ने पर जिहड़े पक्के ने
ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਦਿਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਭਾਗਯਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।